उधर हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना ने कोहरा मचा के रखा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार हालांकि पूरी तरीके से सतर्क है। भारद्वाज ने लोगों से भी लापरवाही नहीं बरतनी और कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की है। भारद्वाज ने कहा कि आर्थिक हालातों से निपटने के लिए कोरोना सबसे बड़ी चुनौती है। फैलाव है वो कोरोना वायरस हिंदुस्तान भर में जो है फैला, एक वर्ष में हमने लॉकडाउन भी देखा, अर्ध लॉकडाउन भी देखा, कभी जो है वो सख्ती भी देखी, कभी जो है वो इसमें नरमी भी देखी है। आज फिर से एक तीसरा जो है वो कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो बढ़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज जो है वैक्सीन भी आई है, इसलिए लोगों को वैक्सीन भी लगानी है और वैक्सीन लगा भी रहे हैं। इसमें सबको मास्क की आवश्यकता, दो गज की दूरी की ज़रूरत, जैसा आपने यहाँ पर जो है वो कल्चरल प्रोग्राम में भी देखा है, ये सब जो है आवश्यक है। लेकिन बहुत सारे जो आवश्यक कार्य हैं उनको भी SOPs के द्वारा आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, आप मास्क लगा करके जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो आप करते रहें। जैसे जैसे जो है इसमें आवश्यकता महसूस होगी सरकार को, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जो है वो अधिकृत हैं इस बात के लिए कि कभी भी वो किसी प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। कल ही उन्होंने निर्णय लिया है कि स्कूल जो यहाँ पर बंद थे, कॉलेजेस जिनकी लेकिन परीक्षाएं चल रही थी, उन परीक्षाओं को भी बंद किया है। आवश्यकता पड़ी तो और ज़्यादा सख्ती जो है वो भी की जा सकती है। लेकिन साथ ही हम जो है वो आप सबसे भी निवेदन करते हैं, जनता से भी निवेदन करते हैं कि स्वयं जो है आप इस बीमारी से बचने के लिए जो है वो गाइडलाइंस का जो है वो उस पर जो है ध्यान देकर के चलें, क्योंकि सब मिलकर के चलेंगे तभी जो है वो आप प्रदेश में जो इकोनॉमी है उसकी दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी अर्थव्यवस्था ठप हो गई तो उसके कारण जो है जो लोग मरेंगे वो फिर कोरोना वायरस की स्थिति से भी ज़्यादा भयानक स्थिति होगी। इसलिए दोनों चीज़ें चलनी चाहिए समानांतर रूप में, इस दृष्टि से जो है वो काम को ध्यान में रख कर के जो है वो व्यवस्था की जा रही है।